वेल, आई एम सीएल शाह, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस 2000 एग्जाम बैच से ऑफिसर हूँ, और मैं भारतीय सिविल सेवा के सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पर मेंस के लिए जो है कुछ आपको हेल्प करना चाहता हूँ। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मेन एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चंस आते हैं उनके क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है। तो पैटर्न जो है, करंट पर्सपेक्टिव में जो चीज़ें देश में चल रही है, दुनिया में चल रही है, उसके साथ कोरिलेट करके ज़्यादातर सवाल पूछे जा रहे हैं। जो न्यू कमर्स हैं, सोशोलॉजी को एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में लिए हैं, उनके लिए खास तौर से ये वीडियो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि जो पुराने सोशोलॉजी के एक स्टूडेंट हैं उनके लिए यूजलेस है, ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें मैं सिर्फ उन बिंदुओं पर फोकस करूंगा जो सोशोलॉजी के क्वेश्चन सेटर द्वारा क्वेश्चंस में वो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। अगर आप उन टर्मिनोलॉजी को ठीक से नहीं जानेंगे तो आप उसका आंसर कतई जो है ठीक से नहीं लिख पाएंगे। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि क्वेश्चंस में जो टर्मिनोलॉजी यूज की गई है उसका क्या मीनिंग है, उसका क्या डिस्क्रिप्शंस है, वो अगर आप जान जाएंगे तो आपकी सारी समस्या जो है क्वेश्चन सॉल्व करने की हल हो जाएगी। अदरवाइज आप समस्या क्वेश्चंस हल करने की समस्या से आप जूझते रहेंगे और आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो चीज़ें आप छोड़ देंगे एग्जामिनेशन में जो आंसर चाहिए। तो मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी पे प्रकाश डालूंगा जो आपको जानना ज़रूरी है। जैसे पहला टर्म मैं शुरू करता हूँ, एगेमी। एगेमी का मतलब होता है उन नियमों का अभाव, उन रूल्स रेगुलेशंस का अभाव जिसमें कोई समूह अपने ही समूह में विवाह करे या ना करे, ऐसा रूल रेगुलेशन जो है उसमें नहीं होता है। एगेमी, अगर एगेमी टर्म है तो इसका मीनिंग ये है। एक टर्म होता है एग्लोमेरेशन, एक प्रक्रिया जिसके द्वारा दो या दो से अधिक नगर एक पारिस्थितिक या एक जनसंख्या क्लस्टर के रूप में एक साथ वृद्धि करते हैं, दैट इज कॉल्ड एग्लोमेरेशन। तीसरा शब्द है एग्नेट, इसका संबंध उस टर्मिनोलॉजी से है जो पुरुष वंशानुक्रम यानी मेल डिसेंट सिस्टम से जाना जाता है, उसको बोलते हैं एग्नेट। अगला शब्द है एमालगमेशन, दो या अधिक प्रजातियां जब आपस में इंटर ब्रीडिंग करके एक नए समूह को निर्मित करती है तो उसको बोलते हैं एमालगमेशन। एक शब्द है एनोमी, ANOMIE, इसका मतलब होता है सांस्कृतिक लक्ष्य और साधनों के बीच असंगतता, नॉन कंपेटिबिलिटी। अगला शब्द है रिचुअल किनशिप, इसका मतलब फंक्शनल सोशल रिलेशन के आधार पर जो संबंध स्थापित होते हैं नातेदारी, वो उसको रिचुअल किनशिप को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे गॉडफादर, लोग कहते हैं वो अब मेरा गॉडफादर है। गॉडफादर का मतलब ये है कि नाइदर वो एफिनल है नॉर कॉन्सेग्विनियस है, ना वो रक्त मूलक है ना वैवाहिक मूलक है, वो फंक्शनल सोशल रिलेशंस के आधार पे वो रिलेशन डेवलप करते हैं, जैसे लोग जनरली PR, पर्सनल रिलेशंस जिसको कहते हैं, दैट इज कॉल्ड पर्सनल रिलेशन, PR रेपो के आधार पे, दैट इज गॉड फादर रिचुअल किनशिप। एक शब्द है कार्टेल, जो आप जानते हैं, दो या दो से अधिक लोगों के बीच अगर एक समझौता हो जाए जिससे उनका इंटरेस्ट सेव रहे सबका, उसको कार्टेल कहते हैं। एक टर्म है सेनोगामी, CENOGAMY, सेनोगामी, ए रेयर फॉर्म ऑफ मैरिज इन विच टू और मोर मैन आर मैरिड टू टू और मोर वीमेन, दैट इज कॉल्ड सेनोगामी। एक विवाह की एक ऐसा बहुत ही रेयर फॉर्म है दुनिया में जहाँ पे दो या दो से अधिक आदमी शादी करते हैं दो या दो से अधिक वीमेन के साथ। एक शब्द है कॉग्नेट, ये ब्लड रिलेटिव थ्रू द मदर्स साइड ऑफ द फैमिली, माँ के तरफ से फैमिली में जो ब्लड रिलेटिव होते हैं उनको कॉग्नेट कहते हैं। ये टर्मिनोलॉजी क्वेश्चन सेटर क्वेश्चंस में डालता है जिससे आपके आपको ये पता चल सके, आपके बारे में पता चल सके कि आप सोशोलॉजी को कितने करीब से जानते हैं। कल्चरल कन्वर्जेंस एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है जनरली, इसका मतलब है कि डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर कल्चर ट्रेड्स इन टू और मोर कल्चरल आइदर थ्रू डिफ्यूजन और पैरेललिज्म, दैट इज कॉल्ड कल्चरल कन्वर्जेंस। होलिज्म एक शब्द है जिसके द्वारा व्यक्ति या समूह को एक पूर्ण होलिस्टिक रूप में समझा जाता है, न कि व्यक्ति के रूप में, मतलब कहने का यह है कि प्लुरल बनाम सिंगुलर। इसमें मैं पॉज कर दे रहा। एक मार्टन का दिया हुआ एक शब्द है होमोफिटी, होमोफिटी का मतलब होता है
सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले व्यक्तियों के बीच मित्रता, फ्रेंडशिप बिटवीन टू पर्सन्स विच आर द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स पजेस। अगला शब्द है कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, औपचारिक रूल, लीगल एक्टिविटीज, प्रथा और रिचुअल्स पर आधारित सामाजिक अंतःक्रिया को स्टेबल पैटर्न का विकास के द्वारा जो किया जाता है उसे इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कहते हैं। एक वर्ड है लीजेंड, कुछ व्यक्तियों या घटनाओं से संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित लोक कथाएं। ये अक्सर ये आता है आपके टर्मिनोलॉजी कोई क्वेश्चन सेट करने के रूप में। मेडियोपोलिस, एक मध्यम आकार का नगर जो कि ना ही छोटा शहर हो और ना ही बहुत बड़ा महानगर हो, इसको बोलते हैं मेडियोपोलिस। एक है मिलेनेरियन मूवमेंट, एक सामाजिक आंदोलन जो कि समाज में अलौकिक सत्ता के हस्तक्षेप से सहसा रूपांतरण लाने की प्रत्याशा करता है। इस मूवमेंट को कहते हैं मिलेनेरियन मूवमेंट, जो कि गॉड और सुपर नेचुरल पावर्स के इंटरफेरेंस से सोशल चेंजेस लाने की बात करता है, उसे कहते हैं मिलेनेरियन मूवमेंट। एक होता है नेटिविस्टिक मूवमेंट, नेटिविस्टिक, NATIVISTIC, नेटिविस्टिक मूवमेंट। एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स है जिसके द्वारा अपने सांस्कृतिक तत्वों में से विदेशी तत्वों को उखाड़ फेंकता है, उस मूवमेंट का नाम है नेटिविस्टिक मूवमेंट। नाम से थोड़ा क्लियर है, नेटिव यानी लोकलाइज्ड, जो एलिमेंट्स बाहर से आए हैं उन एलिमेंट्स को, उन ट्रेड्स को अपने कल्चरल वैल्यूज के ट्रेड्स के साथ जो है जोड़ के चलना नहीं जानता, उसे कहते हैं नेटिविस्टिक मूवमेंट। खास तौर से आपने देखा होगा स्वदेशी अभियान या चाइनीज सामग्री को बाहर हटाओ या विदेशी लोगों को या विदेशी उपकरणों का यूज मत करो, स्वदेशी आंदोलन को बढ़ाओ, तो ये सब मूवमेंट जो इस आधार पे चलाए जाते हैं उनको बोलते हैं नेटिविस्टिक मूवमेंट। एक मूवमेंट है रिवाइटलाइजेशन मूवमेंट, जानबूझकर संगठित और चेतन प्रयास द्वारा जिसके द्वारा एक अधिक संतुष्टकारी संस्कृति का निर्माण किया जाता है, उसे कहते हैं रिवाइटलाइजेशन मूवमेंट। अगला है नोमैड, एक समूह जो कि मौसमी लाभ के अनुरूप अपना निवास बदलता रहता है, जिसको घुमंतु कहते हैं या यावरी भी कहते हैं कहिएगा। कई जगह जो है इसका दूसरा नाम जो है झूम कृषि के रूप में, और जो है डिफरेंट टाइप की ट्राइब्स के द्वारा जो है एक जगह से दूसरे जगह डिस्प्लेस किया जाता है, वो सबको एक नोमैड कहते हैं, नोमैडिक ग्रुप। एक शब्द है आपकी प्रोमिस्क्यूटी, सांस्कृतिक रूप से इंस्टीट्यूशनलाइज पैटर्न के विरुद्ध जाकर बाहरी लोग के साथ यौन संबंध बनाना, दैट इज प्रोमिस्क्यूटी। सेंक्शन एक वर्ड है, एक व्यक्ति या समूह के निश्चित प्रकार के व्यवहार को प्रोत्साहित या हतोत्साहित करने के लिए निर्देशित किया हुआ पुरस्कार या दंड। अगला एक शब्द आता है सेकुलर सोसाइटी, वैज्ञानिक और तार्किक ढंग पर आधारित समाज जहां रूढ़ियों का महत्व नहीं होता है। सर्विस सेंटर, एक नगर, कस्बा या गांव जो कि अपने आसपास के क्षेत्रों में सेवा उपलब्ध कराता है। घेटो, भारतीय गंदी बस्तियों, स्लम के अनुरूप अमेरिका में विकसित प्रजातीय सांस्कृतिक रूप से समान एक सेग्रीगेटेड समुदाय, दैट इज घेटो। जनरली ये शब्द जो है अमेरिका के जो विकसित प्रजातीय सांस्कृतिक रूप से एक सेग्रीगेटेड सोसाइटीज है जो कि काफ़ी बैकवर्ड क्लास होती है, उनके लिए ये शब्द यूज किया जाता है। एक है सोशल कैटेगरी, ये प्लोरलिटी ऑफ पर्सन हु आर नॉट ऑर्गेनाइज इंटू ए सिस्टम ऑफ सोशल इंटरेक्शन एंड देयर फॉर डू नॉट फॉर्म ए ग्रुप बट हु डू हैव सिमिलर सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज वर्किंग वुमेन, दोज ओवर 65 ईयर्स ऑफ एज, मेल्स, फीमेल्स, दैट इज कैटेगरी। कैटेगरीज, कैटेगरी, सोशल कैटेगरी एक टर्म है, दूसरा टर्म है सोशल क्लास। जब इसी कैटेगराइजेशन को हम हायरेरिकल रूप में रख देते हैं कि ये छोटा है ये बड़ा है, तो उसको एक बोलते हैं हम सोशल क्लास। एक बृहद कैटेगरी, एक बड़ी श्रेणी जो समान सामाजिक आर्थिक परिस्थिति अपने समुदाय या समाज के अन्य व्यक्तियों समूहों के संदर्भ में अलग रखता है, तो अलग रखता है मतलब उसको हायरार्किकल फॉर्म कर देता है, तो उसे कहते हैं क्लास। अगला एक टर्म है स्टेटस डिस्क्रिपेंसी, एक व्यक्ति की जो डिफरेंट टाइप के जो स्टेटस सेट होता है उसके बीच जो है डिफरेंस जो होता है उसको बोलते हैं स्टेटस डिस्क्रिपेंसीज। स्टेटस डिस्क्रिपेंसीज के रूप में जो है इस तमाम क्वेश्चंस बनाए बने हैं और बनाए जा सकते हैं। खास तौर से जो जो लोग बड़े पदों पे या बड़े संस्थानों में काम करते हैं
उनके लिए सोशल डिस्क्रिपेंसी फैक्टर्स जो है स्टेटस डिस्क्रिपेंसी फैक्टर के रूप में काफ़ी रिफ्लेक्ट होता है। जैसे वो वहाँ पे अगर सीईओ हैं किसी कंपनी में, तो घर पे वो किसी के पुत्र हैं, किसी के पिता हैं, किसी के पति हैं, किसी की पत्नी है, तो उनके बीच जो स्टेटसेस में डिफरेंस क्रिएट होता है उसको बोलते हैं स्टेटस डिस्क्रिपेंसी। एक शब्द है टेम्पोरोसेंट्रिज्म, अपनी लाइफ टाइम, अपना समय और अपने युग को समाजशास्त्रीय महत्व के रूप में स्वीकार करना, इसको बोलते हैं टेम्पोरोसेंट्रिज्म। एक टर्म है विच क्राफ्ट, द प्रैक्टिस ऑफ ब्लैक मैजिक और सोर्सरी इज कॉल्ड विच क्राफ्ट। जीनोसेंट्रिज्म, एक व्यक्ति द्वारा अपनी संस्कृति को अस्वीकार करना, रिजेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड, अपनी संस्कृति को ही रिजेक्ट करना, उसको बोलते हैं जीनोसेंट्रिज्म। सोशियोलॉजिकल संदर्भ में इसका जो है अलग तरीके से इसका प्लेस है। तो इस टाइप से और भी तमाम टर्मिनोलॉजी जो यूज होते हैं उसको जानना जरूरी है। जब तक आप इसको नहीं जानेंगे, ऐसे बहुत सारे टर्म्स और भी यूज होते हैं जो क्वेश्चंस के बीच में एक वर्ड के रूप में होते हैं, जैसे फ्यूजन एंड फीजन। खास तौर से ये देखने में साइंटिफिक शब्द लगता है, लेकिन इसका जो यूज़ है वो सोशियोलॉजिकल संदर्भ में भी कास्ट स्ट्रक्चर के फ्यूजन और फीजन की बात होती है, टूटना और जुड़ना, विखंडन करना। तो और भी टर्मिनोलॉजी इसमें ऐड ऑन किया जा सकता है और मैं करने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।